हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मनी एंड बैंकिंग। जो हमारा यूनिट है ये बहुत लेंदी है, इसकी वजह से हमने इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम मनी की क्रिएशन, सिनेरियो रेस, टाइप ऑफ कंपनी, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनके सब्जेक्ट में बेसल नॉर्म, पीसीए, ये इन सबके सब्जेक्ट में यहाँ पे समझेंगे। और दूसरी यूनिट हमारी यूनिट के बाद शुरू होएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी जो पहली यूनिट है इसमें हम शुरू करते हैं कि मनी जो होता है वो क्रिएट कैसे हुआ, मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा एंशियंट टाइम पीरियड था, एंशियंट एज था, वहाँ पे हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे उनका एक्सचेंज कैसे करते थे, बार्टर के सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसने उसने अपना अपने खेत में वीट की प्रोडक्शन की, वीट की खेती की, एक दूसरा इंडिविजुअल है उसने अपने खेत में राइस की खेती की, तो क्या है कि जो दोनों इंडिविजुअल हैं उन दोनों वो वीट और राइस दोनों खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, किसी एक ने सिर्फ राइस प्रोड्यूस किया है और किसी दूसरे ने सिर्फ वीट का प्रोडक्शन किया है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या करते थे कि कुछ वीट का एक्सचेंज राइस से कर लेते थे। जैसे यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है, पर्सन ए ने राइस का प्रोडक्शन किया है अपने खेत फील्ड में, बी ने वीट का प्रोडक्शन किया है, बट जो कंजम्पशन पैटर्न है दोनों का वो क्या करते हैं, दोनों जो है वीट और राइस दोनों को कंज्यूम करते हैं, बट इन्होंने प्रोडक्शन जो किया है सिंगल फूड ग्रेन का किया है, तो इसमें क्या करेंगे ये दोनों, ये राइस कुछ देगा इसको और जो बी है इसको वीट अपना देगा राइस देने के एवेज में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, जो इनके पास फूड ग्रेन्स है उसमें से ये कुछ हिस्सा अलग करेंगे और उसको एक्सचेंज कर लेंगे, यही होता था हमारा बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। तो जो हमारा एंशियंट पीरियड चल रहा है वहाँ पे हमारा जो सिस्टम चल रहा था वो बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम चल रहा था, बार्टर एक्सचेंज का हमारे पास हमारी सोसाइटी में सिस्टम चल रहा था। बट जो बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, ठीक है। जो राइस उगाया है अगर उसको हीट की ज़रूरत है तभी वो अपनी राइस का कुछ हिस्सा देगा और वीट दूसरे से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बार्टर एक्सचेंज का जो सिस्टम चल रहा था वो डिपेंड कर रहा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, मतलब जो ए और बी हैं इन दोनों को, जो ए के पास जो है उसकी ज़रूरत बी को है और बी के पास जो है उसकी ज़रूरत ए को है, मतलब अगर यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के पास जो प्रोडक्शन है उसकी अगर ज़रूरत है, प्रोड्यूस है, तभी वहाँ पे क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज हो पाता था। क्या हो अगर ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये वहां पे ना अप्लाई हो पाए, मतलब ए को उस चीज की जरूरत नहीं है जिसका प्रोडक्शन बी ने कर रखा है, तो अब बी क्या करने जाए, बी क्या करे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वैल्यूएबल कमोडिटीज का, वैल्यूएबल कमोडिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज से हम मूव कर रहे हैं वैल्यूएबल कमोडिटी पे, इसका मतलब क्या है, वैल्यूएबल कमोडिटी वो कमोडिटी हो, एक इंटरमीडिएट कमोडिटी हो, ठीक है, इंटरमीडिएट कमोडिटी हो, वैल्यूएबल कमोडिटी हो, जो भी है, ठीक है, कोई भी टर्म हो यहाँ पे यूज करें, इंटरमीडिएट कमोडिटी या वैल्यूएबल कमोडिटी, ये ऐसी कमोडिटी होगी जिसमें कि ए जो है राइस को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल कमोडिटी मान लेते हैं हम यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर ले लेते हैं, ठीक है। तो ए के पास जो राइस है बी के पास जो वीट है, सी के पास जो पल्सेस है
के पास जो वेजिटेबल्स है ठीक है, हमने माना कि ए के पास राइस है, बी के पास व्हीट है, सी के पास पल्स है और डी के पास वेजिटेबल है। तो यहाँ पे ए के पास जो एक्स्ट्रा राइस है, जिस राइस का कंजम्पशन ए को नहीं करना है, उस राइस को ए क्या करे, वैल्यूएबल कमोडिटीज में कन्वर्ट करा ले। ठीक है, वैल्यूएबल कमोडिटीज में कन्वर्ट कराने पे क्या होगा कि इसे गोल्ड का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, ए आए और यहाँ पे जो उसके पास राइस है उसको वैल्यूएबल कमोडिटी मतलब गोल्ड या राइस में कन्वर्ट करा ले। अब एक यहाँ पे रिजर्व है, उस रिजर्व में क्या रखा गया है, राइस रखा गया है और रिजर्व से गोल्ड और सिल्वर निकाल के ए को दे दिया गया है। ठीक है, अब जब भी ए को व्हीट की जरूरत पड़ेगी, ए क्या करे, ए उस गोल्ड के टुकड़े को जो जो क्वांटिटी वो रिजर्व से पाया हुआ है, व्हीट को जब वहां पे उसने जमा किया है रिजर्व में, जब वहां पे उसने जमा किया है इन्हें, तो उसको जो गोल्ड का क्वांटिटी मिला हुआ है, गोल्ड का एक टुकड़ा मिला हुआ है, सिल्वर का एक टुकड़ा मिला हुआ है, उसको क्या करे कि ये मार्केट में जाए और जब इसे व्हीट की जरूरत पड़े तो ये बी को उस गोल्ड के टुकड़े को दे दे। ठीक है, जब बी को वो गोल्ड का वो टुकड़ा दे देगा तो बी उस एवेज में ए को राइस दे देगा। अब क्योंकि बी के पास वो व्हीट का टुकड़ा आ गया है, तो गोल्ड का टुकड़ा आ गया है, तो अब बी क्या करेगा, बी को जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो जाएगा उस वैल्यूएबल गुड को, क्योंकि ये जो वैल्यूएबल गुड है ये एक्सेप्टेबल है सभी को। तो क्या करेगा, बी को जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, बी जाएगा उस गोल्ड के टुकड़े को लेके और उसको एक्सचेंज कर लेगा जिस चीज की उसे जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कमोडिटी बनाई गई और इसका यूज किया जाएगा मनी के प्लेस पे, जो बार्टर एक्सचेंज किया जा रहा था, डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो पा रहा था, अब यहाँ पे एक वैल्यूएबल इंटरमीडिएट कमोडिटी बनाई गई, जिसका जो आदान प्रदान है वो इजी है और जो सबको एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे जो वैल्यूएबल कमोडिटी है इसको हमने गोल्ड और सिल्वर क्यों लिया, क्योंकि ये जो है रेयरली अवेलेबल है, वैल्यूएबल है। ठीक है, क्या होता अगर हम यहां पे आयरन और वाटर को ले लेते, आयरन और वाटर को लेने पे क्या होगा कि जिसने राइस का प्रोडक्शन किया है, इतनी सिंचाई की है और वहां पे उसने इतना ज्यादा मेहनत किया है, वो जाके वाटर से क्यों एक्सचेंज करता, वाटर जब इन्वायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल है तो वाटर जो चाहेगा, जो इंडिविजुअल चाहेगा वो वाटर जाके कहीं से भी स्टोर कर लेगा अपने लिए और उसी को जाके दे देगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है, वैल्यूएबल कमोडिटी है, वो हमारा कोई ऐसा ही मेटल होगा, कोई ऐसा ही कमोडिटी होगा जो कि रेयरली अवेलेबल हो और वैल्यूएबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है कि गोल्ड या सिल्वर के टुकड़े को क्या करना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं एक रिजर्व है, रिजर्व का कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वहां पे जा रहे हैं हम गोल्ड अपनी कमोडिटीज को रख रहे हैं और वहां से हम गोल्ड को ले रहे हैं। अब बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, फिजिकल गोल्ड को कैरी करना पड़ रहा है, जब भी हमें कुछ लेना है तो हम फिजिकल गोल्ड को कैरी कर रहे हैं, और फिजिकल गोल्ड को कैरी करने के साथ साथ क्या है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है, तो हमें बार बार, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी का मतलब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें गोल्ड और जो सिल्वर है, जो वैल्यूएबल कमोडिटी है, उसकी ज्यादा जरूरत बढ़ने वाली है, क्योंकि जब गुड्स और सर्विसेज बढ़ेंगे तो हम ज्यादा स्टोरेज करेंगे, गुड्स का ज्यादा स्टोरेज करेंगे, सर्विसेज को हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो इस वजह से हमें जो गोल्ड, जो वैल्यूएबल कमोडिटी है, जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है, इसकी जरूरत बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, कोई एक यहाँ पे ऑनेस्ट पर्सन जो रिलायबल होगा उसको हम बनाएंगे मुखिया, बनाएंगे कोई एक ऑनेस्ट और रिलायबल पर्सन होगा
उसको हम मुखिया बनाएंगे, और जो हमारा फिजिकल गोल्ड है इसको हम स्लिप से बदल देंगे। इस स्लिप पे क्या होगा, यहां पे साइन होगा, जो ट्रस्टेड पर्सन है उसका साइन होगा, और इसकी मॉनेटरी वैल्यू यहां पे इस स्लिप पे मेंशन होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब जो ए है, जब इसके पास राइस का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो ये जाएगा, और जो यहां पे रिजर्व बना हुआ है जिसका एक्सचेकर अनेस्ट और रिलायबल पर्सन को बनाया गया है, उससे जाएगा और एक स्लिप ले लेगा जिसमें कि उसके हस्ताक्षर और उसकी जो स्लिप है उसकी वैल्यू वहां पे लिखी होगी। तो जितनी राइस वो यहाँ पे रिजर्व में स्टोर कराएगा उस वैल्यू का इसको स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्लिप होगी, क्योंकि ऑनेस्ट और रिलायबल पर्सन है तो ये स्लिप जो है मार्केट में या फिर जो हमारी सोसाइटी है वहां पे सबको मान्य होगी। तो अब एक क्या करेगा, इस स्लिप को ले लेगा और जिस भी कमोडिटी की उसे फ्यूचर में जरूरत होगी उसके उस स्लिप के साथ उस कमोडिटी को वो परचेज कर लेगा, ले लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिलायबल पर्सन है वो कौन है, जो रिलायबल पर्सन है वो हमारा आरबीआई है, और जो स्लिप है जिसपे की साइन और वैल्यू मेंशन है ये है हमारी आज की प्रेजेंट डेट की करेंसी। ठीक है, तो हम बायोटर से मूव करते हुए आज की डेट में करेंसी पर आए हुए हैं, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि जो मनी है, जो करेंसी है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मनी का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा था। मनी जो है हमारा पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है। पैसे लेके जाएं हम, उस पैसे को किसी भी शॉप पे लेके जाएं और हम कोई भी प्रोडक्ट वहां पे परचेज कर लें, और फिर जब हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो वो जो हमारी करेंसी थी, जो हमारी मनी थी, वो शॉपकीपर के पास में पहुंच गई है। अब शॉपकीपर इस करेंसी को यूज करे और कोई भी प्रोडक्ट वो परचेज करे। तो मतलब जो करेंसी है, जो मनी है, उसका काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा है कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब आपके पास कोई भी गुड्स और सर्विसेज यहां पे मौजूद हैं, रखी हुई हैं, आपको कुछ भी सर्विस चाहिए, आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो यहां पे जैसे आप बुक एक परचेज करने जा रहे हैं तो जो आपके पास गुड्स हैं, जैसे जो किताब है आपके पास उसकी वैल्यू आपने बता दी 300 रुपीज। मतलब जो आपकी करेंसी है उसका 300 यूनिट ये जो गुड्स आपके पास है, बुक है, उसके इक्वल है। ऐसे ही कोई सर्विस हो, एजुकेशन हो, इसकी वैल्यू बता दी गई 10,000 रुपीज। मतलब जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी उसकी जो वैल्यू है वो आपकी जो करेंसी है उसका 10,000 यूनिट जब आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तब आपको जो आप गुड्स और सर्विस लेने जा रहे हैं तब वो आपको मिल पाएगा। मतलब जो भी आपके पास अकाउंट है उसको आप यूनिट में यहाँ पे बता सकते हैं। तीसरा जो मनी का जो तीसरा फंक्शन है वो है स्टोरेज, जो वैल्यू है आपके पास उसको उसके लिए स्टोरेज के तरीके से काम करती है। मतलब
आपके पास कोई भी वेल्थ पड़ा हुआ है उसको आप मनी में कन्वर्ट कीजिए, ये नॉन पेरिशेबल है, कोई भी वेल्थ आपके पास, चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, किसी भी तरीके की आपके पास वेल्थ हो, उसको आप करेंसी में मनी में कन्वर्ट कीजिए और वो आपको आपके लिए एक स्टोरेज वैल्यू, जो मनी है जो स्टोरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये नॉन पेरिशेबल है, इसका जो स्टोरेज कास्ट है वो कम है और यहाँ पे इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, ठीक है। तो नॉन पेरिशेबल है, एक्सेप्टेबिलिटी है, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत कम है, ठीक है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो मनी क्रिएशन का काम है वो कौन कर रहा है, जो स्लिप बनाने का काम कर रहा है कौन कर रहा है, रिलायबल पर्सन कर रहा है, और रिलायबल पर्सन को हमने क्या माना था कि वही है हमारा आरबीआई, ठीक है। तो अब जब आरबीआई मनी को क्रिएट करता है तो वो उस वैल्यू को किसी चीज की बैकिंग देता है, ठीक है। आगे हम देखें सिनेरियो रेज के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, सिनेरियोज होता क्या है, सिनेरियोज होता क्या है। तो जब कोई भी एजेंसी हमारे यहां पे आरबीआई जो कि सोल रिस्पॉन्सिबल है करेंसी फॉर्मेशन के लिए, करेंसी क्रिएशन के लिए, मनी क्रिएशन के लिए, जब वो मनी को क्रिएट करती है तो वो क्या करती है, पहली बात तो लिखा क्या लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, वचन देता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर ये करेंसी जो है, अगर ये मार्केट में कोई नहीं एक्सेप्ट करता है तो आरबीआई या फिर जो भी एजेंसी है जिसने इस करेंसी को क्रिएट किया है वो वचनबद्ध है कि आपको उस करेंसी के एवेज में वो वैल्यू प्रोवाइड करे किसी भी तरीके की, ठीक है। अगर मार्केट में कल की डेट में आज कोई करेंसी बनाई गई थी और कल की डेट में मार्केट में कोई उसे नहीं ले रहा है तो क्योंकि वहां पे उन्होंने वादा किया है, वचन दिया है, तो वो वहां पे उस करेंसी को लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो जिस एजेंसी ने क्रिएट किया है, और उस एवेज में आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनेरियोज है, तो जो जब एजेंसी क्या करती है, मनी को क्रिएट करती है, मतलब जब मनी की प्रिंटिंग करती है तो वहां पे जो वो प्रॉफिट बनाती है अलग अलग तरीके से, जो वो प्रॉफिट बनाती है वही होता है हमारा सिनेरियोज। प्रॉफिट मेड बाय प्रिंटिंग सॉवरेन या सोल एजेंसी जो कि मनी को प्रिंट कर रही है, जब वो जो प्रॉफिट बना रही है वही है हमारा सिनेरियोज, ठीक है। तो सिनेरियोज होता क्या है, सिनेरियोज बनता कैसे है, ठीक है। तो जैसे हमारा ही आरबीआई को ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करती है कि यहाँ पे मनी को प्रिंट करती है, करेंसी को प्रिंट करती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 500 रुपीज के उसने करेंसी को प्रिंट किया, तो यहां पे जो करेंसी है उसकी फेस वैल्यू है 500 रुपीज। फेस वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू वहां पे मेंशन होती है वो होती है फेस वैल्यू, ठीक है। तो हमने माना कि जो हमारा आरबीआई है उसने एक करेंसी को प्रिंट किया जिसकी फेस वैल्यू है 500 रुपीज, ठीक है। अब जब इस करेंसी को प्रिंट कर रही थी आरबीआई तो यहां पे इसकी फेस वैल्यू तो थी 500 रुपीज, बट यहां पे जो प्रिंटिंग चार्ज है
तो प्रिंटिंग चार्ज है ये होता है मान लेते हैं हम कि 20 रुपीज यहाँ पे आरबीआई को एक्सपेंस करने पड़े जब उन्होंने इस 500 रुपीज की करेंसी को जब उन्होंने प्रिंट किया, ठीक है। अब जो यहाँ पे फेस वैल्यू और प्रिंटिंग वैल्यू के बीच का डिफरेंस है यही होता है हमारा सेनियोरेज। इस केस में फेस वैल्यू माइनस प्रिंटिंग चार्ज, अब हम मान लें कि जो प्रिंटिंग चार्ज था मान लीजिए यहां पे 5 रुपीज के यहां पे आरबीआई ने करेंसी को प्रिंट किया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फिर से जब हम प्रिंटिंग चार्ज को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें मिला कि जो प्रिंटिंग चार्ज था वो फिर से 20 रुपीज था, तो यहां पे जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहां पे गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, जो हमारा गेन है वही है हमारा सेनियोरेज, ठीक है। जो आरबीआई जो सेनियोरेज क्रिएट करती है कई तरीके से क्रिएट करती है, ठीक है। एक तो यहां पे बैकिंग दी गई, पैसे चाहिए थे यहां पे इकोनॉमी में पैसे डालने थे, वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज या फिर कोई भी वैल्यूएबल कमोडिटीज यहां पे आरबीआई को के पास गिरवी रखी और आरबीआई ने क्या किया उस पैसे उस वैल्यूएबल कमोडिटी के अगेंस्ट में पैसे प्रिंट किए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक प्रॉफिट। मान लीजिए यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आ रहा है, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा और फॉरेन करेंसी में जब आएगा तो उसको फॉरेक्स में क्या किया जाएगा एक्सचेंज किया जाएगा करेंसीज के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे फॉरेक्स में इस करेंसी को यहां की डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेक्स में, ठीक है। तो जब यहां पे कन्वर्ट किया जाएगा तो हमें फिर पैसे को प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो जहां यहां पे एजेंसी है आरबीआई वो फिर से पैसे को प्रिंट करेगी, तो यहां पे फिर से सेनेरियोरेस इसको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो आरबीआई है उसे सेनेरियोरेस फिर से मिलेगा। ऐसे ही जब आरबीआई जो यहां पे इसको प्रॉफिट हो रहा है जब फिर से इसको इन्वेस्ट करेगी और इन्वेस्ट करने में जब फिर से यहां पे आरबीआई को इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए उस इंटरेस्ट को पाने के लिए आरबीआई को फिर से यहां पे क्या करना पड़ेगा प्रिंट करना पड़ेगा। तो मतलब जितनी भी बार जिस भी तरीके से आरबीआई को प्रिंट करने पड़ रहे हैं पैसे वहां पे आरबीआई को सेनियोरेज मतलब जो प्रॉफिट है प्रिंटिंग का के केस में जो प्रॉफिट है वो आरबीआई को मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक्सचेंज रेट सिस्टम को इंडिया के केस में पढ़ते हैं। पिछले यूनिट्स में हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट पीपीपी एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा को वहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा को हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। फिर से हम एक्सचेंज रेट को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे कैसे आज जिस डेट पे हैं, जैसे हम जनरली हम जो हमारी करेंसी है उसको डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे यहां तक जिस लेवल पे हम आज पहुंचे हैं कि आज जो डॉलर की वैल्यू है वो 82 point something रुपीज है नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, तो हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं इसको हम देखने जा रहे हैं। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है उस टाइम पे जो एक डॉलर था इसकी वैल्यू थी 1 रुपीज, 1 रुपीज, ठीक है। फिर 1993 में जो डॉलर है उसकी वैल्यू अराउंड 31 रुपीज थी, 33 रुपीज अराउंड वहां पे डॉलर की वैल्यू थी इंडियन करेंसी में, 33 नहीं 31। और आज की डेट में जब हम 2024 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डॉलर की जो वैल्यू है वो अराउंड 82 point something रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो चेंज हो रहा है
जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो हम देख रहे हैं कि आज़ादी के टाइम पे हमारा $1 = 1 रुपीज़, फिर 1993 में $1 = 1 = 31 रुपीज़, और आज की डेट में जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं $1 = 82 रुपीज़, ये कहाँ से कैसे हम पहुँचे हुए हैं इसको हम आप देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये पीरियड था, इस बीच में आपको पता ही है, जो करेंसी को वैल्यू वैल्यूएट मतलब जो डिवैल्यूएट करने का और रिवैल्यूएट करने का जो काम करती है वो एजेंसी कौन सी है, जो देश की जो सेंट्रल बैंक होता है वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है करेंसी को मैनेज करने के लिए, करेंसी की वैल्यू को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ से पे 1947 से 1993 तक जो हमारी करेंसी थी, इसकी जो वैल्यू थी, इसको आरबीआई फिक्स और एडजस्ट करती थी टाइम टू टाइम। जो करेंसी को ये फिक्स और एडजस्ट कर रही है, इसको एडजस्ट करने का जरूरत क्या पड़ा हमें ये जानना है। तो यहां पे क्या था कि इस फेज में 1947 से 1933 के फेज में जो हमारी करेंसी थी, जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, यहां पे जो बीओपी था वो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम जो देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में हम उनको पैसे देते हैं और फॉरेक्स के थ्रू वो कन्वर्ट होके उनकी करेंसी में उनको दे दिया जाता है। ऐसे ही जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके एवज में अपनी करेंसी को यहाँ पे देते हैं, हमारी इकोनॉमी को देते हैं, और हमारी इकोनॉमी में जो फॉरेक्स है वहां पे जो वो अपनी करेंसी दे रहे हैं उसको क्या किया जाता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करके जो इंडिविजुअल उस गुड्स को, उस सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा था उसको उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे 1947 से 1993 के बीच में जो हमारा एक्सपोर्ट था ये बहुत कम था और जो हमारा इंपोर्ट था ये बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीओपी था ये हमारे लिए एडवर्स हो गया था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन थी और हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद था। तो एक्सपोर्ट को पुश देने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आरबीआई क्या करता था, टाइम टू टाइम जो हमारी करेंसी थी उसकी वैल्यूएशन करता था। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब डिवैल्यूएट करता था, रिवैल्यूएट करता था, मतलब जिस हिसाब से वो देखता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंडीशन और इन्फ्लेशन की कंडीशन को देखता था उस हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट होगा, इन्फ्लेशन जब होगा हमारी इकोनॉमी में तो इम्पोर्ट क्या होगा, इम्पोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम समझना चाहें कि एक्सपोर्ट की कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन जैसे मान लें हम कि एक बर्गर 20 रुपीज का है हमारे यहाँ पे, यूएसए में सेम बर्गर $1 का है, बर्गर की कॉस्ट, और जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो है $1 = 40 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे जो बर्गर का रेट इंडिया में है और जो बर्गर का रेट यूएसए में है वो $1 है और इंडिया में बर्गर का रेट $20 है। मान लिया इन्फ्लेशन यहां पे चल रही है, इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेट होगा, जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटेगी, तो यहां पे जो एक बर्गर का रेट होगा वो ₹30 हो जाएगा। ठीक है, जब ₹20 था बर्गर का रेट इंडिया में और यूएस में $1 था और जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट था वो $1 = 40 रुपीज था, इस कंडीशन में क्या होता कि जो यूएसए के लोग हैं, यूएसए के इंडिविजुअल्स हैं, वहां पे जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करते, क्योंकि
जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते बर्गर इंडिया से, आयात करते बर्गर, तो उनको सस्ता मिल जाता। मतलब जब ये एक्सपोर्ट करेंगे इस कंडीशन में, जब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो इन्हें $1 में 2 बर्गर मिल जाएगा। अगर ये अपनी इकोनॉमी में खरीदेंगे तो उन्हें सिर्फ 1 बर्गर मिलेगा, लेकिन जब ये इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तब इन्हें 2 बर्गर मिलेगा। लेकिन जब यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तब इन्हें $1 में जो बर्गर मिलेगा उसकी क्वांटिटी होगी 1.33 बर्गर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन इंडिया में हाई रहेगा तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। तो यहां पे क्योंकि हमने देखा कि जो पीछे की कंडीशन थी वहां पे 1947 से 1993 तक इंडिया की इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और बीओपी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो एडवर्स हो गया था हमारे लिए। मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कम था इंपोर्ट के मुकाबले। ठीक है, जो मॉनेटरी वैल्यू थी एक्सपोर्ट की और जो मॉनेटरी वैल्यू थी इंपोर्ट की, उसमें जो इंपोर्ट की मॉनेटरी वैल्यू थी वो ज्यादा थी। इस वजह से जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो आरबीआई क्या करता था, आरबीआई हमारी जो करेंसी थी उसको रिवैल्यूएट करता था, और रिवैल्यूएट करता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ठीक है, तो यहां पे हमने समझा कि 1947 से 1993 के बीच पीरियड में हमारे यहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आरबीआई टाइम टू टाइम जो करेंसी की वैल्यू थी हमारी उसको फिक्स और एडजस्ट कर रहा था। लेकिन 1993 के बाद यहां पे हमारी करेंसी को फ्री छोड़ दिया गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये जो पीरियड था इसमें इसमें जो हमारी करेंसी थी 1993 से 19 आज की डेट में जो भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है, इस टाइम में इंडिया की करेंसी को फ्री छोड़ दिया गया, फ्लोट छोड़ दिया गया। यहां पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे आज की डेट में जो हमारी करेंसी है वो मूव करती रहती है। ठीक है, कैसे मूव करती है, कैसे जो हमारी करेंसी है ये आज की डेट में 82 रुपीज इज इक्वल टू $1 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो जैसे जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहां पे आता है, पहली बात तो ये कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, पिछली स्लाइड में हमने देखा था और इस स्लाइड में हम देखते हैं फिर से। तो यहां पे हमने देखा कि जब हम इंपोर्ट कर रहे थे, ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा फॉरेक्स है यहाँ पे, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी करेंसी में इनको पैसे देने हैं। ठीक है, जब हम अपनी करेंसी में देंगे तो क्या है कि इन ये जो जहां से हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी करेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉरेक्स में ये पैसे हमारी तरफ से जाएंगे और फॉरेक्स से क्या होगा कि जो उनकी डोमेस्टिक करेंसी, जो फॉरेन की डोमेस्टिक करेंसी है जहां से हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी करेंसी में हमारे रुपीस को कन्वर्ट किया जाएगा और वो उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, इंपोर्ट बढ़ा मतलब हम ज्यादा फॉरेन करेंसीज की डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन करेंसीज हमको ज्यादा लौटानी पड़ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी करेंसी की डिमांड ज्यादा है, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है वो वैल्यूएट होता है, रिवैल्यूएट होता है। ठीक है, तो यहां पे उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, मतलब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा वो और हमारे लिए डिप करता जाएगा, जो हमारी करेंसी होगी वो और डिवेल्युएट होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारे यहां पे बहुत ज्यादा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने की कंडीशन में क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो जब वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो हमारे यहाँ जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो जो भी फैक्टर सर्विसेज वहां पे फैक्टर कॉस्ट होंगे, जैसे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, एक हॉस्पिटल क्रिएट करना था, ठीक है, तो हॉस्पिटल क्रिएट करने में जो भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, जो भी लेबर्स की जरूरत है, उनको तो क्योंकि उन्होंने वो फॉरेन इन्वेस्टर थे, उन्होंने फॉरेन करेंसी को लाया, तो अब क्योंकि हमारे देश में फॉरेन करेंसी तो चलेगी नहीं, जो हमारे यहाँ पे लोकल लोग हैं वो फॉरेन करेंसी को तो लेंगे है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉरेक्स में आएगा और फॉरेक्स में क्या किया जाएगा, उस पैसे को, उस जो फॉरेन करेंसी है उसको जमा किया जाएगा और आरबीआई क्या करेगा फिर उसी के एवज में क्या करेगा कि यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी को प्रिंट करेगा और जो भी नॉमिनल एक्सचेंज चल रहा रेट चल रहा होगा उस उतने वैल्यू को वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उसको इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देगा, ठीक है। अब क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है और हमारी जो करेंसी है इसकी नीड बढ़ी हुई है, यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी आई है वो फॉरेन करेंसी आई हुई है और हमें प्रिंट किस चीज को करने की जरूरत पड़ रही है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को, तो यहाँ पे जो हमारी करेंसी है इसका डिमांड बढ़ा हुआ है, डोमेस्टिक करेंसी की नीड बढ़ी हुई है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की नीड है ये भी ग्रो कर गई है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ गई है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फॉरेन की करेंसी है वो डिवैल्यूएट होगी और जो हमारी करेंसी है वो रिवैल्यूएट हो जाएगी, मतलब हमारी जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ये नीचे की साइड जाएगा। आज की डेट में नॉमिनल एक्सचेंज रेट 82 पॉइंट समथिंग रुपीज है, वो अगर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ता है तो जो हमारी करेंसी है नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो 80 जाएगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है उस तरीके से जो करेंसी होती है वो अप्रिशिएट करती जाती है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि इंडिया जो यूएसए को बर्गर एक्सपोर्ट कर रहा था, अगर इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ जाए जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा और इम्पोर्ट क्योंकि और सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था तो इम्पोर्ट जो है अभी तक वैसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा जो हमारी करेंसी होगी वो डिवैल्यूएट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, इन सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कितना रहेगा, क्योंकि अब हमारा जो एक्सचेंज रेट है वहां पे आरबीआई जो है इसको मैनेज नहीं करना है, बार बार एडजस्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और आज के रेट में जो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो $1 = 82 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हम देखें कि फ्लोटिंग जो एक्सचेंज रेट होता है जो कि हम 1993 से अडॉप्ट किए हुए हैं, ये भी दो तरीके का होता है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है ये भी दो तरीके का होता है, यहां पे एक है फ्री फ्लोट और एक होता है मैनेज्ड फ्लोट। जैसे जो यूएसए है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, देर बहुत सारी, वहां पे जो वहां पे सेंट्रल बैंक है वो थोड़ा सा भी इंटरवेंशन नहीं करता है, करेंसी कितनी भी डिवेल्यूएट हो, कितनी भी डिवेल्यूएट हो, वहां पे जो सेंट्रल बैंक है वो थोड़ा भी इंटरवेंशन नहीं करता है और इसको एकदम फ्रीली छोड़ दिया गया है। लेकिन इंडिया की कंडीशन में क्या है
इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, ग्रोथ अभी यहाँ पे चल रहा है, इकोनॉमी डेवलपिंग फेज में है, तो कंडीशन अराइज होती है कई बार कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होता है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, वेरी करने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कम जो करेंसी होती है बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। इस वजह से आरबीआई कई बार क्या करता है, इंटरवेंशन करता है। हरदम नहीं, जब कंडीशंस ऐसी राइज हो जाती हैं कि करेंसी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई है, उस कंडीशन में आरबीआई इंटरवीन करेगा, जिससे कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू एकदम खत्म ना हो जाए। इस वजह से आरबीआई को यहाँ पे इंटरवीन करने की जरूरत पड़ती है। अब हम देखें कि कोई कंपनी है तो कंपनी में बैलेंस शीट एक्सेट्रा क्या होता है, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक एआरके प्राइवेट लिमिटेड है, इसके थ्रू हम सिक्योरिटीज एक्सेट्रा को भी समझेंगे। सिक्योरिटीज में जो इक्विटी होता है, बॉन्ड होता है, डेप्ट होता है, उस सबको यहाँ पे डेप्ट सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज, इन सबको हम यहाँ पे इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे यहाँ पे एक एआरके प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे जब कंपनी को इन्होंने शुरू किया तो ओनर ने यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है। बैलेंस शीट में होता क्या है, पहले हम ये समझें। बैलेंस शीट में जो कंपनी के टोटल एसेट होते हैं और जो कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज होती हैं वो मेंशन होती हैं, और एसेट और लाइबिलिटीज जो होती हैं हमेशा किसी भी कंपनी की इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एआरके प्राइवेट लिमिटेड था, कंपनी था एक, यहाँ पे ओनर ने इस कंपनी में 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए। अभी की कंडीशन में जो बैलेंस शीट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी एसेट 1 करोड़, लायबिलिटीज 1 करोड़, ठीक है। ओनर्स मनी, ठीक है, टोटल में भी यहां पे 1 करोड़ और यहां पे भी टोटल रुपीज 1 करोड़। तो कंपनी की ये बैलेंस शीट है इनिशियल फेज में, जब कंपनी शुरू की गई है ओनर ने 1 करोड़ रुपीस यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो 1 करोड़ रुपीस हैं, और कंपनी का जो एसेट है, जो कंपनी को एसेट मिला हुआ है वो 1 करोड़ रुपीस है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जब कंपनी शुरू की गई तो यहाँ पे फंड की कमी हो गई, जब फंड की कमी हो जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, बैंक से लोन लेने जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं इन्होंने बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लिए, अब कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा कुछ ऐसा दिखेगा, एसेट वन करोड़ रुपी 1 करोड़, यहां पे ये जो 1 करोड़ है ये है ओनर्स मनी 1 करोड़, रुपी 2 करोड़ ये जो है किसकी, किसके ऊपर लायबिलिटी है, किसके लिए लायबिलिटी है, बैंक मनी रुपी 2 करोड़। अब मान लेते हैं कि अभी भी जो कंपनी है इसमें और फंड की जरूरत है, तो यहां पे क्या किया जाएगा, जो कंपनी है क्योंकि ये कंपनी बहुत दिनों से काम कर रही है,
तो कंपनी की जो रीच है वो लोगों तक सोसाइटी में पहुंच गई है, कंपनी रिलायबल हो चुकी है। इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपनी बाहर से क्राउड फंडिंग करने की कोशिश करेगी। क्राउड फंडिंग का मतलब यहां पे कंपनी जो है ऋण पत्र जारी करेगी, ठीक है, कंपनी जो है ऋण पत्र जारी करेगी। मान लेते हैं कि कंपनी 100 रुपए के यहां पे 100,000 रुपए के 100,000 यहां पे स्लिप्स या सिक्योरिटीज जारी करती है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी को अभी और फंड की जरूरत थी, तो कंपनी ने 100 रुपए के 100,000 स्लिप या सिक्योरिटीज यहां पे मार्केट में जारी कर दिए, और जो इनपे जो इनकी वैल्यू है ये यहां पे फिक्स मेंशन है, इनका इंटरेस्ट रेट यहां पे मेंशन है स्लिप पे, और जो मैच्योरिटी पीरियड है ये सारा कुछ ही स्लिप में मेंशन है। तो कंपनी ने मार्केट से 1 करोड़ रुपीस यहां से इन्होंने उठा लिए हैं, कंपनी ने मार्केट से डेब्ट सिक्योरिटीज को जारी करके, स्लिप्स को जारी करके मार्केट से 1 करोड़ रुपए 100 रुपए के बॉन्ड के फॉर्म में यहां से उठा लिए हैं। 100,000 स्लिप इन्होंने मार्केट में जारी किया है, ठीक है। अब अगली कंडीशन कि कंपनी जो है कंपनी को कंपनी का जो इन्वेस्टर है, कंपनी का जो ओनर है, अभी और पैसे चाहता है, कंपनी में और डालना चाहता है, कंपनी को चाहता है कि कंपनी अभी तक जो प्रोडक्ट जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही थी, जो मैन्युफैक्चर कर रही थी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसके साथ चाहता है कि और भी प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी में बनाए जाएं। इस कंडीशन में जो कंपनी का ओनर है वो क्या करेगा, शेयर्स को जारी करेगा। कंपनी के जो शेयर हैं, जो हाँ ठीक है, तो जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको जारी करेगा, और यहां पे मान लेते हैं कि 100 लोगों को या 1,000 लोगों को ये 1,000 के शेयर्स प्रोवाइड करता है, तो यहां से कंपनी को कैश में फिर से 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और यहां पे क्योंकि ये शेयर्स हैं, अभी तक ये जो था हमारा ये था डेब्ट सिक्योरिटीज था, ठीक है, जो हमने अभी तक देखा वो हमारे लिए डेब्ट सिक्योरिटीज थे, लेकिन अभी की कंडीशन में जो जारी हो रहा है ये पार्टीज हैं, ठीक है, इनको इक्विटीज जारी किए गए हैं, इनको शेयर्स दिए गए हैं, इक्विटीज जारी किए गए हैं, इनको शेयर दिया गया, इनको कंपनी में हिस्सेदारी दी गई है, तो यहां पे ये भी क्योंकि जो कंपनी का ओनर है इसने कंपनी में 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, और अभी जो इक्विटीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये भी 1 करोड़ रुपीस का आ रहा है, तो ये भी ओनर्स की मनी ही होगी, ठीक है। तो यहां पे इक्विटीज के थ्रू कंपनी ने क्या किया कि 1 करोड़ रुपीस यहां पे इन्होंने जुटाए, तो हम देख सकते हैं जैसा कि यहां पे जो कंपनी है इसकी एसेट और लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल है, ठीक है, इस कैश की जगह पे जो हमने यहां पे बार बार 1 करोड़ रुपीस कैश, 2 करोड़ कैश, 2 करोड़ रुपीस कैश, ये जो हम कैश बार बार यहां पे मेंशन कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे एसेट में कंपनी क्या करेगी, मशीनरी कुछ बनाएगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, ठीक है। तो एसेट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कंपनी जिन चीजों का मैन्युफैक्चर कर रही है उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने यहां पे हॉस्पिटल बनाए हैं,
स्कूल बनाए हैं, तो कंपनी के जो पैसे अभी तक एसेट जो पैसे के रूप में थे वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, इस हॉस्पिटल, स्कूल, मशीनरी। जो पैसे थे वो इन एसेट के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, मशीनरी वन, मशीनरी टू, या फिर कुछ भी, जिस भी एसेट के रूप में, जिस भी चीज का कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्शन किया है, उनके रूप में हम इन एसेट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो एसेट होगा वो हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होगा, ठीक है। हम अपनी क्लास यहीं पर रखते हैं और कल यहाँ पे हम जो डेब्ट सिक्योरिटीज होती हैं, जो यहाँ पे इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं, इन सबके सब्जेक्ट में हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे।